हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य सलाहकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई के बारे में जो कि डायबिटीज़ में एक रामबाण की तरह काम करती है। तो दोस्तों, इस दवाई के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों, उस दवाई का नाम है सिजीजियम जम्बोलिनम। सिजीजियम जम्बोलिनम प्लांट किंगडम से बनी हुई एक मेडिसिन है। ये मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत यूज की जाती है। इस मेडिसिन को जामुन के गुठली से बनाया जाता है। ये मेडिसिन हमारी बॉडी में पैंक्रियाटिक सेल्स पे असर करती है और इंसुलिन को बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों, ये दवाई तेज प्यास, कमजोरी, दुबलापन, एक्सेसिव पैसेज ऑफ यूरिन यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और बार बार पेशाब होना, बहुमूत्र के कारण शरीर में घाव होना आदि प्रॉब्लम्स के लिए इस दवाई का यूज़ किया जाता है। अगर टॉयलेट में शुगर अमाउंट अधिक हो जाए तो रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में भी ये दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। अत्यधिक प्यास लगना, वीकनेस, दुर्बलता यानी कि वीकनेस, पेशाब की बढ़ी हुई स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायबिटीज़ के कारण होने वाले अल्सर, शरीर के ऊपरी भाग में छोटे छोटे लाल रंग के दाने होने पर भी ये दवा दी जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपनी वीडियो में 5 कंपनीज को लेते हैं जो कि मुख्य रूप से उस दवाई को बनाती हैं। तो इस वीडियो में भी हमने ऐसी 5 कंपनीज को लिया है जो कि इस दवाई को मुख्य रूप से बनाती हैं। सबसे पहली कंपनी है डॉक्टर रिकी वैक, दूसरी है डॉक्टर विलिमर श्वाबे, तीसरी है SBL, चौथी है वीजेन और पांचवी है एडल। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उसके रेट और क्वांटिटी की। डॉक्टर रिकी वैक आपको 234 रुपये में 20 ml का डाइल्यूशन प्रोवाइड करता है। डॉक्टर विलिमर श्वाबे 90 रुपीज़ में 30 ml डाइल्यूशन प्रोवाइड करता है। SBL आपको 90 रुपीज़ में 30 ml का डाइल्यूशन प्रोवाइड करता है। वीजेन आपको 87 में 30 ml डाइल्यूशन प्रोवाइड करता है। एडल आपको 266 रुपीज़ में 20 ml मदर टिंचर यानी कि डाइल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर दोस्तों आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, मतलब इस दवाई को परचेस करना चाहते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप इसे परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस दवाई की डोज की। तो 1 चम्मच पानी में आप 3 से 5 ड्रॉप इस डाइल्यूशन की दिन में 3 बार ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस दवाई को ले सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस दवाई के बेनिफिट्स की। तो ये दवाई मुख्य रूप से हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने, उसको रेगुलेट करने, मॉनिटर करने में यूज की जाती है। ये दवाई ब्लड शुगर लेवल के बढ़े हुए स्तर को कम करती है। ये दवाई अल्सर, लाल पपल्स जैसी स्किन की प्रॉब्लम्स में भी उपयोग की जाती है। ये दवाई दूषित भोजन के सेवन से होने वाले इंडाइजेशन और डायरिया जैसे पेट की बीमारी को भी ठीक करने में काम आती है। ये दवाई हाई ब्लड शुगर लेवल से जुड़े लक्षणों का भी इलाज करती है, जैसे कि पेशाब करने की अत्यधिक इच्छा होना, भूख और प्यास ज़्यादा लगना, तो उन लक्षणों का भी ये दवाई इलाज करती है। ये दवाई बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल से जुड़ी कमजोरी और थकान को भी कम करती है। ये दवाई ब्लड और यूरिन शुगर लेवल के स्तर को भी कम करने के लिए इफेक्टिव है। ये दवाई डायबिटीज पेशेंट में पैर के अल्सर को ठीक करने में मदद करती है। ये दवाई ऊपरी शरीर, ऊपरी अंगों, बाहों और हाथों पर गर्मी का इलाज करता है। ये लाल खुजली वाले पिंपल्स और अल्सर को भी ठीक करता है। ये अत्यधिक पेशाब से संबंधित समस्याओं के इलाज में भी मदद करती है। इन द लास्ट दोस्तों, हम बात करते हैं इस दवाई के प्रिकॉशंस की। तो ये दवाई यूज करने से पहले इसके लेवल को ध्यान से पढ़ें। सेल्फ मेडिकेशन से दवाई लेने की सलाह नहीं दी जाती है। दवाई रिकमेंडेड डोज के अनुसार ही लें। बच्चों की पहुंच से इस दवाई को दूर रखें और इस दवाई को कूल और ड्राई प्लेस पर स्टोर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।